तो वेलकम बैक गाइस, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम दुबई साइंस एंड। आज की इस वीडियो में हम लाइसोजेनी साइकिल और लाइटिक साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मेन मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना हो तो बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइसोजेनी और लाइटिक साइकिल में क्या होता है। ये जनरली बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दीज टाइप्स ऑफ वायरस नोन एज व्हाट बैक्टीरियोफेज। तो उनमें ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो तरह के फेज होते हैं, लाइसोजेनी एंड लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनी साइकिल को हम फेज कन्वर्जन भी बोलते हैं, लेकिन लाइटिक साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव साइकिल बोलते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज, लाइसोजेनी साइकिल में क्या होता है, जो वायरल डीएनए होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है किसके साथ, होस्ट डीएनए के साथ, और इसमें यहाँ पर होस्ट कौन है, बैक्टीरिया है। तो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, ही क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है। तो इसमें बैक्टीरिया की वो डेथ नहीं करता है, तो इसलिए नो डेथ ऑफ होस्ट बैक्टीरिया। लेकिन लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो इतना संतुष्ट नहीं होता है कि बेचार जो होस्ट सेल है उसके साथ कॉपरेट करके अपना डीएनए को आगे रेप्लिकेट करा ले, तो वो इतना अच्छा नहीं होता है। वो क्या करता है, पहले बैक्टीरिया की मदद लेता है अपने आप को रेप्लिकेट कराने के लिए, फिर उस डीएनए, उस बैक्टीरिया के डीएनए को भी डिग्रेड कर देता है। एंड देन जब वो वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अच्छे से असेंबल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, काफी सारे बन जाते हैं, और उसके बाद क्या करता है कि बैक्टीरिया को वो उसकी लाइसिस करके, लाइसिस इन द सेंस उसकी डेथ करके वहां से भग लेता है, और सेल्स को फिर क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इट कॉजेज डेथ ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम। उसके बाद बैक्टीरियल और वायरल डीएनए दोनों ही साथ में रेप्लीकेट करते हैं, बेचारे कॉपरेट कर लेते हैं, वायरस इतना दयालु होता है तो दोनों साथ में रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन लाइटिक साइकिल में क्या होता है, वायरस इतना अच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही रेप्लिकेट कराता है, डीएनए जो होस्ट का डीएनए होता है उसको वो डिग्रेड कर देता है। तो हम बोल सकते हैं लाइसोजेनी में कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है होस्ट के न्यूक्लिक एसिड का, लेकिन लाइटिक साइकिल में होस्ट के डीएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है। अब जब वायरल डीएनए पार्टिकल जो होता है वो होस्ट के डीएनए पार्टिकल से जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है अपनी आगे रेप्लिकेशन को बढ़ाने के लिए उसके मैकेनिज्म को यूज करके, तो इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता है लाइसोजेनी में, लेकिन लाइटिक साइकिल में ऐसा कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि होस्ट का तो डीएनए बचता ही नहीं है, वो पहले ही डिग्रेड कर देता है। देन हम बात करें जब डीएनए का जो पार्टिकल होता है वो अटैच हो जाता है वायरल डीएनए का पार्टिकल किससे, होस्ट के डीएनए से, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोफाज बोलते हैं। तो प्रोफाज हमारा लाइसोजेनी में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन लाइटिक साइकिल में प्रोफाज फॉर्मेशन नहीं होती है। देन हम बात करें कि लाइसोजेनी साइकिल बेचारा इतना अच्छा होता है, काफी इसकी लो प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत कम वायरल पार्टिकल आगे ये प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन लाइटिक साइकिल जो इतना धुरंधार है ये क्या करता है, ये इसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए नोट्स के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं द बायो साइंस एरिना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द बायो साइंस एरिना के नाम से, वहां पर मेरा पेज है। थैंक